नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के दो चरण पूरे हो गए हैं और तीसरे चरण की शुरुआत 17 सितंबर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत होने जा रही है। कोशिश की जा रही है कि 26 सितंबर तक प्रदेश में पहली जो डोज है 100% सभी को लग जाए और उसके बाद जो है कोरोना जो महाअभियान जो है वो लगातार चलता रहे और प्रदेश में जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसमें कोशिश की जा रही है कि लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड बने हैं वैक्सीनेशन के, उम्मीद की जा रही है कि जो तीसरा जो चरण है उसमें भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक रिकॉर्ड बनेगा और बड़ी संख्या में जो पहली डोज है प्रदेश में 100% लोगों को लगाने की योजना की जा रही है। किस तरीके से ये पूरा महाअभियान चल रहा है, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं प्रदेश भर में कोरोना महाअभियान के तीसरे चरण को लेकर, हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हैं। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। प्रभुराम जी, अगर बात की जाए कोरोना महाअभियान वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर, लगातार मध्य प्रदेश रिकॉर्ड बना रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है जो है वो किया जाए। पहला जो महाअभियान था काफी सफल रहा, दूसरा और ज्यादा सफल रहा, अब तीसरे अभियान में क्या प्लानिंग है? देखिए, मध्य प्रदेश में कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो लगातार हम लोग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पहला वैक्सीनेशन महाअभियान 21 जून को किया था जी, और 17 लाख से अधिक डोज एक दिन में लगाकर मध्य प्रदेश देश में नंबर वन पर उस दिन रहा था जी। दूसरा बड़ा महाअभियान हम लोगों ने 25 और 26 अगस्त को किया था जी। 25 अगस्त को 24,20,000 डोज हम लोगों ने लगाए थे और 26 को भी 17 लाख से अधिक डोज हम लोगों ने मध्य प्रदेश में लगाए और लगातार वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में चल रहा है जी। जैसा आपको जानकारी में है कि पहले हम लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेट किया जी, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर को जी, उसके बाद जो कोमोर्बिडिटी थी या एबव 60 ईयर जी के सीनियर सिटीजन थे उनको वैक्सीनेशन, उसके बाद एबव 45 45 साल से ऊपर वाले नागरिकों के लिए और अभी 18 प्लस की जो हमारी पॉपुलेशन है या हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए वैक्सीनेशन लगातार हम लोग कर रहे हैं और कल 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग एक और बड़ा महाअभियान चलाने जा रहे हैं जिसमें हम लोगों ने 32,80,000 करीब टारगेट हम लोगों ने रखा है विभिन्न जिलों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विलेज वार्ड क्राइसिस कमेटी के सदस्यों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और जो वैक्सीन के लिए जो हेल्थ वॉलंटियर बनाए उन सबको और सारे हमारा जो सरकारी अमला है, चाहे हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं या अन्य डिपार्टमेंट के, सब लोग मिलकर पूरे प्रदेश में इस महाअभियान को हम लोग चला रहे हैं और मध्य प्रदेश ने एक जनभागीदारी का मॉडल इस वैक्सीनेशन में और कोविड के कंट्रोल के लिए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किया, उसका परिणाम आप सब देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश लगातार देश में नंबर टू पे वैक्सीनेशन में भी हम लोग हैं। अभी तक हम लोगों ने 4,25,00,000 डोज प्रथम डोज हम लोग लगा चुके हैं और 1,04,00,000 करीब सेकंड डोज मतलब फर्स्ट और सेकंड जिनको लग चुका है, करीब 5.25 करोड़ जो है हो चुका है, लगभग
हम लोगों ने 5.25 करोड़ जी डोज मध्य प्रदेश में लगा दिए हैं, और अब जो हम लोगों का फोकस है और जो तरीके से सरकार और सारी मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, वॉलंटियर सब लोग मिलकर हम लोगों का प्रयास है कि 26 सितंबर तक प्रथम डोज जो एलिजिबल पॉपुलेशन लगभग वो सभी को मिल जाए, वो प्रथम डोज 100% जी बिल्कुल। और इसके लिए तमाम स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से कोशिश की जा रही है सरकार के स्तर पर, सामाजिक संगठनों के स्तर पर और जो स्वयंसेवी संगठन है उनके स्तर पर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जो तृतीय चरण शुरू हो रहा है कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का उसमें भागीदारी ले सकें और पुराने जो रिकॉर्ड है उससे भी ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन हो सके, और 26 तारीख जैसा आपने बताया कि 26 सितंबर तक 100% जो है वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में प्रथम डोज का हो सके। लेकिन इसके लिए लगातार हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरा विभाग और पूरा हमारा प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिले के सभी कलेक्टर्स, सारे जनप्रतिनिधि, मंत्रिमंडल के साथ ही सांसदगण, विधायकगण और निचले लेवल के जो हमारे जितने भी वर्कर हैं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के, चाहे हमारे अन्य डिपार्टमेंट के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों हमारे, चाहे पंचायत के हमारे चाहे रोजगार सहायक हों, चाहे पंचायत के सेक्रेटरी हों, अन्य डिपार्टमेंट के हों, हमारे ANMs हों, हमारे स्टाफ नर्स हों, सारे लोगों के साथ साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी, जिन लोगों को भी जोड़ा है और जो क्राइसिस कमेटी के सदस्य हैं जी उनको भी जोड़ा है, राजनीतिक पार्टियों के जो हमारे साथी हैं उन लोगों को भी सबको जोड़कर एक इलेक्शन के तर्ज पर जी पूरे सेक्टर बनाकर और पोलिंग बूथ के तर्ज पर हम लोगों ने पूरे वोटर लिस्ट के हिसाब से भी सब लोगों को पहले से उपलब्ध कराई गई हैं, वो उसमें से वोटर लिस्ट में टिक कर रहे हैं और सब घर घर जाकर निमंत्रण भी दे रहे हैं, जो लोग छूट गए हैं जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगा वो लोग फर्स्ट डोज लगवा सकें और जो सेकेंड डोज के लिए पात्र हैं वो सेकेंड डोज लगवा सकें। ये पूरा अभियान पूरे जिलों में चलाया जा रहा है, सारे लोगों को मिलकर जोड़कर हम लोगों ने हमारा प्रयास है और इसके लिए पूरी अभियान चलाया गया है, सब लोगों को पहले से बताया गया है, सब हम लोगों ने जो सेंटर स्थापित करना थे कहाँ कहाँ हम लोग सेंटर बना सकते हैं, जहाँ ज़्यादा लोग छूट गए हैं वहाँ सेंटर और बन सकें, और अगर जो लोग घर से जो लोग नहीं आ सकते हैं या दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं तो उनके घर पर जाकर या तो हमारे कार्यकर्ता उनको वैक्सीनेशन सेंटर पर लाएंगे, या सेंटर पर भी नहीं आ सकते तो वहाँ से हम लोग उनके घर जाकर भी उनको वैक्सीनेट करेंगे, और हम लोग पूरी तरीके से जिस तरीके से लगे हुए हैं सारी जनता का सहयोग, सभी का सहयोग मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है कोविड से बचाव के लिए, ये बहुत ही अच्छा और सबके लिए मतलब सुरक्षित रहने के लिए वैक्सीन बहुत आवश्यक है, सब लोग वैक्सीन लगवाएं जी। डॉक्टर प्रभुराम जी, अगर हम बात करें कि प्रदेश में 52 जिले हैं, उन जिलों में अगर हम बात करें तो जिन जिलों में कम परसेंटेज है वैक्सीनेशन का, क्योंकि जिलेवार समीक्षा की जाती है, जिलेवार रिजल्ट देखे जाते हैं, उन जिलों में परसेंटेज बढ़ाने के लिए किस तरह प्रयास किए जा रहे हैं, क्या वहाँ मैकेनिज्म अपनाया जा रहा है, और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं ऐसे चिन्हित किए गए हैं या जिले चिन्हित किए गए हैं? नहीं, देखिए जिन जिलों में वैक्सीनेशन का परसेंटेज कम रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन जिलों के कलेक्टर्स, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को साथ में अलग से एक मीटिंग करके वहाँ अलग से एक रणनीति बनाने के लिए कहा गया है कि जो हमारा पॉपुलेशन छूट गई है अभी तक उनको हम लोग नहीं लगा पाए, वहाँ वैक्सीनेशन के सेंटर हम लोग अधिक वहाँ पर बनाएँ, वैक्सीन भी उनको ज़्यादा उपलब्ध कराएं, जिससे कि उसको भी हम लोग कवर करके सभी जिलों में जो छूटे हुए लोग हैं सबको हम लोग वैक्सीनेट कर पाएं जी। कई सारे नवाचार किए गए हैं मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर, जैसे कि 24 घंटे के सेंटर्स शुरू किए गए हैं जहां पर कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 24 घंटे कभी वैक्सीनेशन करा सकते हैं, कुछ 12 घंटे के सेंटर्स ऐसे बनाए गए हैं, तो ये सेंटर किस तरीके से काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ ये सेंटर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कितने संख्या में है और किस तरीके से सेंटर्स काम कर रहे हैं? नहीं देखिए, जो 24 घंटे के सेंटर भी कुछ स्थानों पर हम लोगों ने बनाए हैं, 24 आवर कोई जो बड़े शहरों में वो जाकर करवा सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो पहले हम लोग 4 दिन वैक्सीनेशन कर रहे थे जी, बाकी 1 दिन छुट्टी रहती जी, और 2 दिन हमारा जो रेगुलर वैक्सीनेशन था वो, अब हम लोगों ने पूरे
सातों दिन जो हमारे हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हमारे जो सिविल अस्पताल हैं, उन पे हम लोगों ने सातों दिन वैक्सीनेशन किया है, और जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, उनको भी वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो पात्रता की श्रेणी में आता है जी, वो वैक्सीन लगवा सके, कोई छूटे ना। सब वोटर लिस्ट के हिसाब से उनको ढूंढ रहे हैं, और घर घर जाकर भी हमारे कार्यकर्ता साथीगण उनको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप आइए, आप छूट गए, आप वैक्सीन लगवाएं। जी, बीच में कई सारी भ्रांतियां फैल गई थी वैक्सीनेशन को लेकर, कई लोग कुछ गलत जानकारी के अभाव में, कई लोग उसके प्रभाव में आकर कई लोग बच रहे थे वैक्सीनेशन से, ऐसे लोगों के को समझाइश देने के लिए, और कई लोग जो कि किसी बीमारी से ग्रसित हैं या उनको वैक्सीनेशन किस तरीके से करवाना चाहिए, डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया या हार्ट की बीमारी हो गई, ऐसे लोगों की काउंसलिंग के लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है जिससे कि उन लोगों को सही जानकारी मिल सके, सही उनको सलाह मिल सके कैसे उनको वैक्सीन लेनी है? शुरू शुरू के दौर में बात सही है कि लोग झिझक रहे थे लगवाने में वैक्सीन, कुछ लोग गलत अफवाह भी फैला रहे थे कि साहब वैक्सीन लगवाने से उसको साइड इफेक्ट होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन लगी लोग सुरक्षित होते गए। अगर जिसने वैक्सीन लगवा ली है जी, उसको बाद में अगर कोविड हुआ भी है तो उसको उतना इफेक्ट नहीं हुआ, वो सीवियर नहीं हुआ, चलते फिरते हुए वो ठीक हो गया, तो लोगों का एक विश्वास भी बढ़ा, और सरकार ने भी पूरा जागरूक करने के लिए पूरा अभियान भी चलाया गया। हम लोगों ने पूरा, चाहे हमने गाड़ियां लगा के अनाउंस करने की बात हो या जनता के लोगों के लिए उनको बताने की बात करें, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने, या हम लोगों ने पूरे प्रशासन के माध्यम से और जनता के माध्यम से, जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं उनके माध्यम से जनता को जागरूक किया, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों का विश्वास वैक्सीन के लिए पूरी तरीके से बन भी गया है, जो जो में नहीं था। बिल्कुल, वैक्सीन 100% पूरी तरह सुरक्षित है, और वैक्सीन जिनको लगी है वो पूरा सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। जहाँ जहाँ एक डोज लग चुका है जी, दूसरे डोज के लिए जो पात्र हैं, जो छूट गए हैं, उसके लिए ही हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वो सारे लोग। बात की जा रही है कि अगले कई अभी ट्रायल चल रहे हैं बच्चों की वैक्सीन को लेकर, ट्रायल चल रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि कुछ समय बाद हो सकता है कि बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी, तो उसको लेकर कोई प्रयास, कोई योजना बना रही है सरकार की आगे चल के जो वैक्सीनेशन है वो एक विशेष एज ग्रुप जिसमें बच्चे आते हैं उनको लेकर भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ योजना बन रही है इस पर, क्योंकि जिस तरह के ट्रायल चल रहे हैं अभी लगातार देश में? नहीं, अभी देश में ट्रायल चल रहे हैं जी, और जैसे ही ट्रायल पूरी हो जाएगी और बच्चों के लिए जैसी वैक्सीन का गाइडलाइन तैयार होगी, मध्य प्रदेश भी उसी के अनुसार पूरी तरीके से आगे है जी। डॉक्टर प्रभाम जी, अगर हम बात करें जो कोविड वैक्सीनेशन तो चल रहा है, बीच में कहीं ना कहीं जो रेगुलर वैक्सीनेशन था, जैसे बच्चों का वैक्सीनेशन होता है, छोटे बच्चों का जो दूसरी बीमारियां होती हैं उनका जो वैक्सीनेशन होता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था, अब वो किस तरीके से चल रहा है, क्या वो भी अब समांतर चल रहा है ये कोविड वैक्सीनेशन के साथ साथ में, और वो चीज़ें अब पहले से बेहतर हो गई हैं? नहीं, जो हमारा रेगुलर वैक्सीनेशन जी होता था, वो वैक्सीनेशन हम लोगों ने उसको कंटिन्यूस रखा। 4 दिन हम लोगों ने जी कोविड का वैक्सीन लगाई, और 2 दिन जो हमारे रेगुलर डे थे, जिन इसको हम लोग वैक्सीन जो रेगुलर वैक्सीन लगाते थे उसको हम लोगों ने कंटिन्यूस रखा जी। अगर बात किया थोड़ा वैक्सीनेशन से साथ थोड़ा कोविड कंट्रोल की बात की जाए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में जो आयुष्मान कार्डधारियों को भी लाभ मिला, जो उन्होंने ट्रीटमेंट कराया अपना, तो उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला कोरोना के इलाज में भी, तो इनकी संख्या कितनी थी और किस तरीके से ये सरकार ने इनको इंक्लूड किया और कितना बड़ा प्रभाव रहा प्रदेश में जो कोविड, जो ये आयुष्मान कार्डधारी थे उनका जो इलाज हुआ कोविड के जो इन्फेक्शन का? कोविड के समय मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लॉन्च की, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड उपचार के में जोड़ा गया, आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत उनको जोड़ा गया, और जिन लोगों के कार्ड थे या जिनके परिवार के कार्ड थे उन पात्रता की श्रेणी में थे उन्हें कार्ड बने। ऐसे लगभग 12,500 के करीब जी लोगों का
मुफ्त में कोविड, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत तो उनको मुफ्त में उनको इलाज दिया गया। और जो हॉस्पिटल थे जो ये कह रहे थे कि साहब इतने जो पैकेज है उसमें हमें बाइबल नहीं है जी, तो सरकार ने 40% उनका उन प्राइवेट अस्पतालों का पैकेज भी कोविड के लिए उन्हें बढ़ाया गया था जी, जी। जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो और सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में जो कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत संबंध थे उनमें भी इलाज उनको मिल सके। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से लगातार कोविड प्रबंधन के लिए काम किया जा रहा है और कोविड को कंट्रोल करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में वैक्सीनेशन के साथ साथ कोविड के इलाज को जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड से जोड़ा गया है वो भी जनता को एक बहुत बड़ा राहत देने वाला काम जो ये रहा है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें चौधरी जी, ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति अगर हम देखें इस दूसरी लहर में और अब तक कितना अंतर आया है और क्या क्या इसमें काम हुआ है कि किस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं अस्पतालों में और जिलों में और क्या स्थिति है वर्तमान में? मध्य प्रदेश में अभी तक हमारे पीएम केयर फंड जी, मुख्यमंत्री सहायता कोष जी और विभिन्न हमारी जो संस्थाएं हैं जी, जिन लोगों ने और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर 190 प्लांटों की स्वीकृति जी विभिन्न अस्पतालों में दी गई और 101 ऑक्सीजन प्लांट अभी तक क्रियाशील भी हो चुके हैं जी और 89 पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, उनको भी हम लोग जल्दी ही क्रियाशील कर देंगे जिससे ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो हमारे प्रदेश के अंदर ही हो सके। अभी सेकेंड लहर के समय लिक्विड ऑक्सीजन को हम लोग प्रदेश से बाहर से लाना पड़ती थी जी, उसमें कभी कठिनाई भी थी, उसको मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हम लोगों ने ऑक्सीजन के जो टैंकर थे टैंकरों को भी बढ़ाया जी, और टैंकरों को भरे हुए टैंकरों को रेल मार्ग रोड मार्ग के अलावा रेल मार्ग से भी खाली टैंकरों को हवाई मार्ग से भेजकर जिससे समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, इन सब चुनौतियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 190 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए हैं और उन पर जैसा मैंने बताया कि 101 क्रियाशील हो गए, बाकी पर तो हम कह सकते हैं कि इस समय पर्याप्त ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लांट जो है प्रदेश में है कोई भी इससे निपटने के लिए और किसी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं देखिए ऐसा है, सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में लगी हुई है, हॉस्पिटलों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में हम लोगों ने HR भी बढ़ाया है, अभी डॉक्टरों की भी लगभग 450 मेडिकल ऑफिसर की अभी पिछले वीक ही हम लोगों ने पोस्टिंग की है जो PSC से सिलेक्ट हुए थे, इसके पहले भी एक माह पूर्व भी हम लोगों ने स्टाफ नर्स के लिए पैरामेडिकल के स्टाफ की भी नियुक्तियां की हैं। तो चाहे हम ICU के बेड की हम बात करें, HDU के बेड की बात करें, ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने की हम बात करें, ऑक्सीजन लाइन बिछाने की बात करें, ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की बात करें, बच्चों के ICU PICU बनाने की बात करें, ये सारी स्वीकृतियाँ हम लोगों ने की थी और उन पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, अनेक जगहों पर बनकर तैयार हो गई और जहाँ रह गई हैं उनको भी हम लोग कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कोई थर्ड लहर ना आए, कई जगह पर हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर या जो भी बनाए हैं, जैसे आप ये कहें कि बुधनी में है, आपके काटजू हॉस्पिटल में है, मंडीदीप में है, बीना में है। अब बीना में जैसे ऑक्सीजन हमको वहाँ मिल सकती थी तो वहीं पर हम लोगों ने टेम्परेरी अस्पताल वहीं पर बनाकर तैयार किया है कि लोगों को अगर जरूरत पड़ी वैसे, तो ईश्वर से प्रार्थना कि ये सब खाली पड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि जो तीसरी लहर है वो ना आए, लेकिन सरकार जो है तीसरी लहर से निपटने के लिए भी पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से तैयारी करके रखी हुई है, पूरी तरह से कमर कस के रखी हुई है। अगर हम बात करें एक जनता से जुड़ा एक सवाल और है कि अगर हम देखें कि जो कोविड के दौरान हमने देखा कि कई ज्यादा जो अस्पताल थे प्राइवेट हॉस्पिटल थे उन्होंने बहुत सारा ज्यादा बिलिंग की थी और उसके लिए सरकार ने बाद में एक नियमावली बनाई कि किस चीज़ का कितना चार्ज लिया सकता है, कई जगह पर ज्यादा बिलिंग को पैसा वापस भी कराया गया, क्या ये मैकेनिज्म आगे
भी काम करेगा, और आगे अगर कोई ऐसी कुछ शिकायतें आती है, समस्या आती है, तो उसके लिए कोई आपने मैकेनिज्म डेवलप किया है आगे भी कि जो ऐसी समस्या आती है, ज़्यादा बिलिंग की आती है, या कोई पेशेंट है, कोई परिवार जो कि मजबूर है, उसका कोई अगर अस्पताल फ़ायदा उठाता है जो प्राइवेट अस्पताल है, तो उसके लिए आपने निपटने के लिए कोई तैयारी की है? नहीं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी जी वक्त पर एक कमेटी बना दी थी, हाई जी लेवल पर कमेटी बनाई थी, एक नंबर हम लोगों ने भी दिया था। जो लोग कंप्लेंट्स करते थे कई जगह शिकायतों पर, कई अस्पतालों के खिलाफ जी कार्रवाई भी की गई है, कई पेशेंटों के पैसे वापस भी कराए गए हैं, जी और वो पर्याप्त मॉनिटरिंग की व्यवस्था हम लोगों ने की गई है। और अभी जो हम लोगों ने अनेक जो प्राइवेट नर्सिंग जो एक्ट था जी उसमें भी जी हम लोग कुछ और संशोधन करने जा रहे हैं, जी जिससे कि लोगों को, आम नागरिकों को, पेशेंटों को किसी प्रकार की दिक्कत प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी जी अस्पताल हो ना हो, उनको इलाज ठीक से मिल सके। जो हमारे आयुष्मान भारत निरामय योजना है जी उसके भी जो कार्ड हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक 54% और हम ये कहें कि 2.5 करोड़ के आसपास हम लोगों ने कार्ड बनाए जी चुके हैं, जिसके अंतर्गत जी लोगों को जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं, लगभग 351 प्राइवेट अस्पताल जी और जो हमारे सरकारी अस्पताल 450 के आसपास, इन सबको मैं जो जिनके आयुष्मान कार्ड हैं उनको मुफ्त में इलाज 5 लाख तक का जी परिवार के, एक परिवार के लिए जो सदस्य है पात्रता की श्रेणी में, उनको देने का पूरी योजना बनाई है। और अभी भी प्रयास हम लोग करते हैं कि ये जो पात्र लोग हैं जिनको आयुष्मान कार्ड जी जिनके नहीं बने हैं उनका जल्दी बन जाए, जिससे बिल्कुल जल्दी बन उनको जाएंगे, और ऐसे लोगों को, सभी लोगों को जो है तब जो 5 लाख तक का जो जो इलाज है वो मुफ्त हो सकेगा, कैशलेस हो सकेगा सभी चिन्हित अस्पतालों में। मंत्री जी, अब 17 तारीख से तृतीय चरण शुरू हो रहा है कोविड महा टीकाकरण के महाअभियान का, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरीके से लोग इसको सफल बनाएं और पहले से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो कर सकें? मैं आपके माध्यम से जी मध्य प्रदेश के नागरिकों से जी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए जो कल प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर हम लोगों ने वैक्सीनेशन का महाअभियान मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं, उसको सफल बनाने के लिए हर एक नागरिक को, जिनको वैक्सीन लग चुकी है, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि उनके पड़ोस में, उनके परिवार में, उनके मिलने वाले ने जिसने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है उसको लेकर वैक्सीन सेंटर पर लेकर जाएं जी और उसको प्रेरित करें जो छूट गया है। उन जिनने नहीं लगवाई उनसे तो मैं अनुरोध करना ही चाहता हूं कि वो लगवाएं जरूर, वो लगवाएं, जो लगवा चुके हैं वो किस और लोगों को लेकर, जो लगवा चुके हैं वो छूटे हुए अपने परिवार के सदस्यों या अपने पड़ोस में रहने वाले हों, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, उन सारे लोगों को ले जाकर लगवाएं। और जो देश के प्रधानमंत्री ने मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई है, जो कि सबसे कोरोना की बचाव के लिए महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है जी। तो जो लोग छूट गए हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोगों ने सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर कल हम लोगों ने बनाए हैं और बिल्कुल करीब बनाए, और जिसको आने में अगर कोई तकलीफ है जी तो उनको कॉल करके, उनको गाड़ी भेजकर भी हम लोग वहाँ पर उनको वैक्सीनेट करने का हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। पूरे प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर हम लोगों ने बनाए हुए हैं, सारे अमले को लगाया हुआ है, सारे हमारे कार्यकर्ता उसमें से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों का जो महाअभियान पहला दूसरा सफल रहा है और तीसरा महाअभियान भी पूरी तरह से सफल होगा, सबका सहयोग अपेक्षित है। जी बिल्कुल, तो तीसरा जो महाअभियान है कोरोना वैक्सीनेशन का मध्य प्रदेश में वो पूरी तरह से सफल होगा, और ये जनता के सहयोग से ही सफल होगा। जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है वो अपने आसपास के लोगों से वैक्सीन लगाएं, जिन्होंने नहीं लगवाई है वैक्सीन वो आगे आकर अपना वैक्सीनेशन करवाएं, और कोरोना की इस महामारी को दूर करने में, तीसरी लहर को दूर करने में सहयोग करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। डॉक्टर प्रणाम चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।